मगर इस मुरली में वाणी का बंद होने का बात आया, वाणी बंद होने का बात आया इस मुरली के अंत में। जो ब्रह्मा को मान नहीं देंगे समझेंगे कि हम मुरली खुद ही चला सकते हैं, यह अहंकार आ जाएगा कि ब्रह्मा द्वारा ही मुरली आती है, कोई जरूरी थोड़ी मुरली हम भी चला सकते हैं, तो ऐसा हो गया मुरली फिर बंद हो जाएगी। अंत में रोटी और दो रोटी और दाल मिलेगा किसको? जो बाप को मानता है उनको, बाप का बन जा देंगी भले बैठाए हैं उनको, लेकिन अगर बाप की बन जा देंगी सारी बात समझ ले लेंगी, बाप की पहचान बुद्धि में बैठ जाएगी, गीता का भगवान कौन है ये अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाएगा, तो अंत में उनको रोटी दाल की कमी नहीं होता नहीं रहेगी। ऐसा ये अभी प्रैक्टिस करना है क्या? क्या प्रैक्टिस? दो रोटी और दाल खाने का। दो रोटी दाल की बात नहीं है, ये बताए कोई कुछ चिंता होती है हम खाएंगे क्या, हमारा धंधा ही बंद हो जाएगा। जैसे अगर वैश्याओं की बुद्धि में ये बात बैठाई जाए कि तुम इस ज्ञान में चलो, तो सोचेंगे हम चलना शुरू करेंगे तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाए, फिर हम बैठ के खाएंगे क्या? उनके लिए बताया तुम्हारे लिए रोटी की कमी नहीं है, तुम अच्छे से अच्छी रोटी खाना चाहो तो भी मिलेगी, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहो वो भी मिलेगा, लेकिन विश्व कल्याण के हिसाब से जो करेंगे उनका भाग्य ज्यादा बनेगा। ऐसा तो हमारा पास क्या क्या है उसको दूसरों को दान देना है क्या? नहीं, दान दूसरों को देना ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ईश्वरीय सेवा में मतलब जो लोग जो आत्मा ईश्वरीय सेवा में लगा रहा है उनको देना है क्या? ईश्वरीय सेवा में लगा रहा है उनको देना, वो तो खुद ही लगा रहे हैं अपना, उनको देंगे भी तो क्या करेंगे? वो अपने तरीके से, आप अपनी बुद्धि चलाएं, अपनी बुद्धि चला करके अपने तरीके से उसे लगाएं तो थोड़ा ज्यादा हिस्सा बन जाएगा ना। धन खर्च किया लेकिन एक तो धन दे दिया मंदिर के पुजारी को, एक धन दे दिया हम खुद उसे खर्च करते हैं, तो कौन सा ज्यादा पावर बनाएगा? जो अपना धन भी लगाए साथ में और मन भी साथ में लगाए और धन भी साथ में लगाए तो धन की वैल्यू बढ़ जाएगी ना। दूसरा आदमी तो उसे अपने तरीके से खर्च करेगा और हम तो अपने तरीके से खर्च करेंगे। मुझे कितना लक्ष्मी को सच्चाई और पवित्रता होने पर भी उसे क्यों लेफ्टिस्ट पूजा के रूप में दिखाई गई है? क्योंकि स्वयं मनन चिंतन मंथन करने में आगे कदम नहीं बढ़ाया, जो नारिया है उनको नारी धर्म पालन करने से क्या वे बाप से राजाई का वर्षा पाएंगे? क्योंकि नारी से लक्ष्मी बनना का लक्ष्य देते हैं, लेकिन रुद्रमाला से भी लक्ष्मी पद पाने से राजाई का वर्षा कैसे? नारी है चलो लक्ष्मी ही है, नारी बन गई नारी तो वो किसके अंदर में रहती है? जी तो नर के अंदर में रहती है, कलयुग में तो अंदर में रहना ही पड़े, सत्युग में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कलयुग में अगर स्वतंत्र रहे नारी तो फिर वो सुरक्षित रह सकेगी? नारी चोला है और बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहे किसी के अंदर में न रहे तो उसकी सुरक्षा है? इस दुनिया में उसकी सुरक्षा नहीं है। तो रुद्रमाला के मन के हैं वो तो जन्म जन्मांतर के राजा हैं, वो किसी के आधीन रहे ना पसंद ही नहीं करते, अब वो चाहे उनका नारी चोला ही भले हो तो यहाँ भी उनकी वो आदत होती है क्या वो किसी के आधीनता रहना पसंद नहीं करते तो वो क्या खा जाते हैं? बहुत कोई पूछते हैं कि बाबा के क्लास में जो रेगुलर अटेंड करेंगे उनको भी संगठन में शामिल होना जरूरी है या नहीं?
क्लास अटेंड करेंगे ना संविधान के लिए, रोज क्लास करते हैं और फिर भी बुद्धि में ये नहीं बैठा कि हमारा परिवार कौन सा तैयार होने जा रहा है, परिवार के प्रति कोई लगाव ही नहीं है। जब लगाव नहीं है तो संगठन में भी लगाव नहीं होगा। बाप से प्यार तो बाप के परिवार से प्यार नहीं होना चाहिए। सर का गेट खोलने का मतलब क्या है? इसके लिए जगदम्बा माँ निमित्त है लेकिन वो शरीर छोड़ते हैं, ऐसे बाबा ने बताया है, इसका विवरण चाहिए। खोलने के बाद शरीर छोड़ते काम पूरा कर देगी, काम पूरा हो गया तो ब्रह्मा ने भी ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो गई, शरीर छोड़ दिया, काम तो पूरा हुआ। फिर ब्रह्मा वो भी बोला जिसके लिए बोला स्वर्ग के गेट खोलते हैं। स्वर्ग के गेट किसके द्वारा खोलेंगे? माता ब्रह्मा के द्वारा। तो वो कौन सा ब्रह्मा? जगदम्बा। तो जैसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना किया, काम पूरा हो गया, गए, ऐसे ही जगदम्बा का भी पार्ट उधर हो रहा है। आठ पत्रियां बीजों की दुनिया में है या नहीं? बीजों की दुनिया में ही तो सब कुछ है, उसी का तो गायन है संगम युग में। वो आठ पत्रानियां माने आठ ऐसी निकली दूसरे दूसरे धर्म से कनेक्टेड, जो बहुत तीखा पुरुषार्थ करती है, बहुत ऊंचा करती है, लाख में आके नीचे गिर जाती है। चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्ध वंश, क्रिश्चियन वंश, सन्यास, मुस्लिम, सिख, आर्य समाज, ये आठवीं विधर्मी हो गए ना। तो आठवा जो है बहुत नजदीक भी पहुंचते हैं, किसके? बाप के नजदीक भी पहुंचते हैं। फिर अहंकार आ जाता है, जन जन्मांतर का दूसरे धर्मों का अहंकार भरा हुआ है ना, देहभाव भरा हुआ है, वो अहंकार आ जाता है तो नीचे गिर जाती है। तो वे भी 108 की माला में आएंगे क्या? नहीं, पटरानिया उनका नाम ही पड़ गया पटरानिया, मतलब अंत में आकर के कहाँ गिर गई? पट में गिर गई। पापा 4.5 लाख में, 4 लाख इधर में है, 4.5 लाख में, 4 लाख इधर में वो अंत में शरीर छोड़े हैं। 4.5 लाख इधर में शरीर छोड़ देंगे? कितना लाख शरीर छोड़े लास्ट में? अरे 9 लाख पूरी टोटल संख्या है सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की। उन्हें 4.5 लाख तो पक्के वो सूर्यवंशी हैं जो अपने शरीर रहते रहते स्वर्ग स्थापन, स्वर्ग का संगठन बना लेंगे। लेकिन जो 4.5 लाख रहेंगे शरीर से और शरीर संगठन बनाएंगे, उनमें दूसरे दूसरे धर्मों के भी तो बीज हैं कि नहीं है? और दूसरा धर्म लास्ट में शरीर छोड़ रहे हैं। हाँ, लास्ट में उनमें इतना पुरुषार्थ नहीं है कि लास्ट में जो जोर से विनाश होगा उस विनाश में प्रकृति का पूरा मुकाबला कर सके। खेल खलास हो गया, जो प्रकृति पति होंगे वो प्रकृति का पूरा मुकाबला करेंगे। सभी पापात्मा 2018 के अंत अंदर में ही चरित छोड़ जाता है, सभी पापात्मा व्यक्ति में। शरीर छोड़ने वाली बात जो है वो लास्ट विनाश में होगी या बीच के विनाश में होगी? लास्ट विनाश कब होगा? तब तक पापात्मा इस दुनिया में रहेंगे नहीं? वो दूसरों का बहुत दुख में देता रहता जैसे देते रहते। तो प्रकृति का और माया का सपोर्ट उनको मिलता है, तामसी प्रकृति और तामसी माया, उनका सपोर्ट उनको मिलता रहेगा। बाबा ये भी बताया है जितना स्थापना उतना विनाश, और पूरी स्थापना हो जाएगी मैंने पूरा 16108 का संगठन एक के कंट्रोल में आ जाएगा, एक परिवार तैयार हो जाएगा तो पूरा विनाश हो जाएगा। तो
पूरा जब विनाश होता है तभी ही पूरा स्थापना होती है ना, पहले स्थापना होती है, पहले स्थापना होती है फिर विनाश होता है, अंत में विनाश होता है तो स्थापना भी अंत में होता है, विनाश भी शुरुआत से संकट से विनाश नहीं हो रहा है, ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन नहीं हो रहा है, हो रहा है विघटन भी हो रहा है और मन बुद्धि के अंदर स्थापना भी हो रही है। पर कंचन काया की बात जो है वो लास्ट में ही होगा, कंचन काया तब बनेगी जब प्रकृति के पांच तत्व सात्य को बने, प्रकृति विकराल रूप कब तक धारण करती रहेगी, तक विकराल रूप धारण करती रहेगी, और दुनिया में पांच तत्व तब तक तत्व प्रधान नहीं हो सकते जब तक मन बुद्धि से वाइब्रेशन फैलाने वालों का हुजूम दुनिया में बना रहेगा। इसका मतलब यह हुआ 36 तक कोई भी कंचन काया नहीं बनेगा, कंचन काया बनने के लिए 500 करोड़ का जो हुजूम है दुनिया में वो वाइब्रेशन बनाने और बिगाड़ने वाला है, बिगाड़ने वाला वाइब्रेशन ज्यादा है या बनाने वाला ज्यादा है, बिगाड़ने वाला वो जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक दुनिया का वाइब्रेशन एकदम शुद्ध बनेगा नहीं, तो एक भी नहीं बनेगा कंचन काया, कंचन काया बनेगी तो तभी जबकि सारी दुनिया में बर्फ ही बर्फ हो जाए कि आते ही सारी दुनिया बन जाएगी। लास्ट आत्मा जो ये सृष्टि पर पाठ बजाए कब आएगी, 700 करोड़ लास्ट आत्मा जब लास्ट विनाश होगा 36 तक सब उतरते रहे, वो जन्म कैसे चलेंगे गर्भ पतंगे कैसे जन्म लेते, बरसात होती है पतंगे रात में ढेर सारे पैदा हो जाते हैं, रात में पैदा हुए रात में प्रवेश करके वो प्रवेश किया और दूसरे शरीर में जाके गर्भ से जन्म लिया खत्म हुआ। बाबा भारत को अंग्रेज में इंडिया बोलते हैं, इसका बेहद का अर्थ क्या है, इंडिया कौन बोलते हैं, भारतवासी बोलते हैं कि विदेशी बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, जिन्होंने इंड किया है दुनिया का वो भारत का नाम इंडिया है, दुनिया का अंत किसने किया, अंत किया है, किया है तो वो कैसे इंडिया, इंड करने वाली कब आएगी, इंड करने वाली कब आएगी, अंत नहीं आएगी, जो अभी फलों का राजा और फलों का रानी केला मिलता है ना वो सचिव में और भी स्वादिष्ट रूप में मिलता है या वहाँ बाबा ये बताया है जब सचिव में बच्चों का पैदाइश होती है तब उनका शरीर छोड़ना पड़ेगा, माँ बाप को शरीर छोड़ना पड़ेगा जन्म देते ही, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि वहां कितने राजाएं चल रही है, आठ राजाएं चल रही है, अगर बाप और दादे परदादे तरदादे जिंदा बने रहे फिर तो उनका उनका ही कंट्रोल बना रहेगा, पर फायदा होते ही वो राजा बन जाएंगे क्या, गाय का बच्चा है जन्म लेता है तो क्या वो दो साल तीन साल पालने में रगड़ता रहता है, नहीं तो गाय जैसा मिसाल इस दुनिया में मौजूद है ऐसे ही वहाँ सचिव में बच्चे पैदा होंगे और पैदा होते ही शरीर उनका तेजी से बढ़ेगा, जैसे गाय का बच्चा बढ़ जाता है उछलने लगता है, पैदा होते ही उछलने लगता है, दौड़ता है ना ऐसे ही, पर वहाँ बुढ़ापा नहीं होता कहाँ,
जैसे वो बुढ़ापा भी नहीं होता और बचपना भी नहीं होता, वो दो तीन साल पड़े पड़े छत्तीस पैसा करते रहे एकदम नौजवान है, नहीं एकदम थोड़ा है, लेकिन परिवार वहाँ नहीं होता, माँ बाप और बच्चा बच्चे ऐसे नहीं है। क्यों यार दोस्त नहीं होंगे, सारा परिवार ही तो है सारी दुनिया। आज कल दुनिया में सब प्राणी उनका बच्चा पहला है वो होने के ही पर वो बहुत तेज से चलता है, मगर ये मनुष्य का प्राणी मनुष्य का बच्चे ऐसा नहीं होता है। जो जो प्राणी और जो जानवर है जिनको पशु कहा जाता है, पशु बुद्धि कहा जाता है, वो ज्यादा विकारी बनते हैं या मनुष्य ज्यादा विकारी बना हुआ है? मनुष्य जैसा स्वभाव संस्कार वैसी प्राप्ति। भगवत द्वापर की आदि में वेद शास्त्र रामायण महाभारत भागवत आदि का निर्माण हुआ था, उन सबकी भाषा क्या थी? हिंदी, संस्कृत या देवनागरी भाषा? न देवनागरी, न संस्कृत, न हिंदी, मूल कृति नहीं, संस्कृत माना सुधरी हुई भाषा। क्या सुधरी हुई से कहा जाता है? जो समझ में आ जाए, गलत फहमी कुछ पैदा ना हो। कोई भाषा ऐसी होती है बोली गई और उसमें ढेर सारी गलत फहमियां पैदा हो जाती है। क्या भाषाएं ऐसी भी तो होती है कि पूरा क्रिया कारण का विश्लेषण नहीं है तो गलत फहमी पैदा होती है, होती है ना? जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो, बीच में कामा नहीं लगाया तो उसका अर्थ ये भी हो सकता है रोको मत जाना नहीं दो। तो भाषा जो है वो सुधरी हुई का मतलब ये है सारी बात क्लियर हो जाए, अनक्लियर कोई बात न रहे। तो संस्कृत जो बनाई गई है मनुष्यों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, वो बाद में बनाई गई, पहले बने हैं वेद। वेद संस्कृत भाषा नहीं है, क्या वैदिक भाषा है, संस्कृत भाषा नहीं है। और उस वैदिक भाषा को सब कोई समझ नहीं सकता और बोलना तो है ही नहीं आजकल। जैसे कि ब्रह्मा के द्वारा मुरली बोली गई, मुरली सबने बहुतों ने पढ़ी, ब्राह्मणों ने और बहुतों ने दूसरों को सुनाई, महावाक्य सुने और दूसरों को सुना, क्या समझे? नहीं तो गलत फहमी पैदा हो गई ना, तो उसको सुधरी हुई भाषा नहीं कहेंगे। वो मुरली सुधरी हुई तब कहे जब उसके एक एक वाक्य का अर्थ निकल आए, हिस्से क्लियर हो जाए, तब कहेंगे संस्कृत भाषा। तो संस्कृत में सारी व्याख्या निकली है, जैसे वेदों से आरण्यक निकले, ब्राह्मण निकले, उपनिषद निकले, ये सारी व्याख्या है ना, फिर लास्ट में पुराण निकले। तो ऐसे ही ये हमारी जो भाषा है, बेसिक में भी हमारी भाषा थी, मुरली जी तो भाषा थी लेकिन समझ नहीं थी, और अब वो भाषा पूरी समझ में आ रही। बाबा सभी को आत्मिक स्थिति में देखना है, शंकर को जब देखते हैं तो दो आत्मा को देखना है या एक को देखना है? शंकर का अर्थ क्या है? यही तो सुधरी हुई भाषा है। शंकर शब्द का अर्थ क्या है? शंकर माने मिक्स। तो शंकर को देखना है, ये क्या मुरली में डायरेक्शन दिया है? नहीं, हम क्यों देखे उसको? हम शंकर को क्यों देखें? हम ब्रह्मा को क्यों देखें? हम किसको देखें? हम तो शिव बाबा को देखते हैं, जानते हैं कि शिव बाबा का अपना शरीर नहीं है, फिर भी बोलने के लिए, कर्मेंद्रियों के कर्म करने के लिए शरीर तो चाहिए। तो जो शरीर में काम करता है वो किसका शरीर हो गया? जिस समय वो काम करता है शिव बाबा का शरीर हो गया, हम तो दूसरे को क्या याद करें?
दूसरे को याद करेंगे उसका संग करेंगे हमको लग जाएगा। बाबा का शंकर को याद ही नहीं करना, शंकर को नहीं देखना है, शंकर को फॉलो नहीं करना। हम उसको देखेंगे कहीं हमको फॉलो करने की लत पड़ गई तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। कुमारी वो है जो चीज को लेकर उद्धार करेगी, इसका मतलब क्या है? मैंने कुमारी है कौन सी, बहुत सी कुमारी ऐसी उसके कहने के लिए तो सरेंडर हो गई कुमारी है, लेकिन वास्तव में कुमारी नहीं है। तो ऐसी कुमारी कौन सी है जो आज से लेकर के लौकिक जीवन में भी कुमारी और जब ज्ञान में आए तो भी कुमारी, एडवांस में आए तो भी कुमारी। उसका गायन क्या है, उसका मंदिर कौन सा है? कन्याकुमारी कुमारी उनका भी हुजूम है। क्या इस कुल का मतलब है? इक्कीस कुल का मतलब, इक्कीस कुल का मतलब ये है कि 21 पीढ़ी तक जो भी उनके बाद सरणी चलेगी उनका बच्चा उनका बच्चा उनका बच्चा उनका बच्चा और सबका कल्याण करेगी। माने अपने से जन्म लेने वालों का ही कल्याण नहीं करेगी, माने राधा कृष्ण वाली आत्माओं का ही कल्याण नहीं करेगी, राधा कृष्ण से जो पीढ़ी पैदा होगी उनका भी वो कल्याण करेगी, फिर उनसे जो पैदा होंगे उन आत्माओं का भी कल्याण करेगी, 21 पीढ़ी का कल्याण करेगी। बाबा उनका पूछना है जो शरीर छोड़ते हैं बीज रूप आत्मा है वो कब शरीर लेते हैं? जो बीज रूप आत्मा है एडवांस में आ गई और खुदा का खासा उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, जिनको देहाभिमान है पूरा आत्मा नहीं बने, सीधी सी बात है उसी अगले जन्म में, एक ही जन्म में माना सत्युग के पहले ही जन्म में उन सबको लौना को उतरना है। कैसे जन्म ले सत्युग के आज से लेकर के अंत तक आबादी कितनी होगी? दो करोड़। सत्युग अंत मैंने पहले जन्म में पहले जन्म में आज से लेकर के सत्युग के पहले जन्म के अंत तक टोटल आबादी कितनी होगी? 9 लाख। सत्युग आज के जन्म में 9 लाख। सत्य आज का जो पहला जन्म होगा उसके अंत में टोटल आबादी कितनी होगी? 50,000। सत्य में 8 जन्म होते हैं, 8 जन्म जब पूरे होंगे तो 2 करोड़ आबादी होगी, होगी ना? लेकिन सत्युग के आज के जो पहला जन्म है पहले जन्म के अंत में कितनी आबादी होगी? 9 लाख। वही हम बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, 50,000 बता रहा है, तो जो 9 लाख आबादी होगी उनमें आधे तो ऐसे होंगे जो जन्म लेने वाले हैं और आधे ऐसे होंगे जो जन्म देने वाले होंगे, होंगे ही नहीं होंगे? तो जो जन्म देने वाले होंगे उनको उनकी भी कैटेगरी होंगी या नहीं होंगी? जो फर्स्ट कैटेगरी के होंगे वो सत्य आज से ही होंगे, सेकंड कैटेगरी के होंगे थोड़ा देर में, उससे जो अगली कैटेगरी के होंगे बहुत देर में, माने पूरा पहला जन्म जब पूरा होगा 9 लाख तो 9 लाख आबादी, तो लास्ट में जो आएंगे वो कौन से धर्म से कनेक्टेड हुए? उन्होंने पूरा योग नहीं लगाया ना, उनका छिलका पहले उतरेगा आर्य समाजियों का या लास्ट में उतरेगा? लास्ट में उतरेगा, तो लास्ट में ही जाकर जन्म देंगे ना अपने बच्चों को, आज भी कैसे जन्म देने वाली बन जाएंगे? उनका जन्म गर्भ से होता है या प्रवेश करने से? वो उनका कंठी का शरीर बन जाएगा ना जाने के पहले ही? प्रवेश जो होता है वो पतितन में होता है या पावन तन में होता है? जो ऊपर से परमधाम से आती है आत्माएं वो प्रवेश करती है, वो पतितन में प्रवेश करती है या पावन तन में प्रवेश करती है? पतितन होते हैं बेकार।
सत्युग में तो जो भी तन होंगे, जो भी शरीर होंगे, वो पावन होंगे या पतित होंगे? पावन होंगे। तो गर्भ से ही जन्म, गर्भ ही जन्म होगा। गर्भ गर्भ महल होता है कि गर्भ जेल होती है? पतित तन का गर्भ जेल होती है। जो पतित शरीर होते हैं उनकी उनमें गर्भ जेल होती है, और जो पावन शरीर होते हैं उनमें गर्भ महल होता है। तो गर्भ महल में प्रवेश करने में क्या मुसीबत? किसी का कंफ्यूजन हो गया था, उनका कंफ्यूजन का ऐसे देगा, पहले से ही होता है ना वो, क्या होता है। और कला की इसका स्टेज केवल बाप का है या बच्चों भी नंबर वन पाते हैं? सूर्य की और सूर्यवंशियों की स्टेज कला की तो होनी चाहिए, या कलाओं में बनी हुई होनी चाहिए, कलाओं से नीचे होनी चाहिए। चंद्रमा कला की तो नहीं होता है, कलाओं से परे नहीं होता है, कलाओं में बंधा हुआ होता है। लेकिन सूर्यवंशी बच्चे होता कलाती, क्योंकि वो संगम युग में ही सोने कला संपूर्ण से ऊंची स्टेज वाले बन जाएंगे या नीचे स्टेज वाले बनेंगे? तो वही वो तो लगातार चलती कला वाली आत्मा है। बाबा आप बोलते हैं मनन चिंतन मंथन करने से भी प्रदर्शन चक्रधारी बन सकते हो और अपने पास के जान जाते हो, तो हमको मनन चिंतन मंथन में जाना है या निसंकल्प स्टेज में जाना है? कोई सीढ़ी चढ़े और पहली दूसरी सीढ़ी न चले, एकदम ऊपर वाली में चढ़ जाए तो खतरा है ना। ऐसा कौन नीचे के आइटम को भी प्रैक्टिस होगी तभी तो लगाएंगे आइटम। आखिरी सीढ़ी पे एकदम कैसे चले जाएंगे? मरण चिंतन मंथन की बीच की सीढ़ियां भी है, एकदम ऊंची सीढ़ी में कैसे चले जाएंगे? मरण चिंतन मंथन की कितनी सीढ़ियां हैं? चौरासी जन्मों की 84 सीढ़ियां हैं। एक एक जन्म के लिए एक एक मनन चिंतन जब आखिरी स्टेज पे हो जाएगा तो हमारे हर जन्म का पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? मनन चिंतन का आखिरी स्टेज जब होगी तो हमारे सभी जन्मों का पता लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरा सोरस लगेगा। इतना मनन चिंतन मंथन बैठ जाएगा क्लियर। चलो राम वाली आत्मा को ले लो, राम वाली आत्मा का जब आखिरी स्टेज का मनन चिंतन मंथन होगा और उनको निराकारी स्टेज में हमेशा के लिए पहुंचना है, ऐसी स्टेज आई हुई है, तो उस समय उनको अपने 84 जन्मों का पूरा साक्षात्कार हो जाएगा कि नहीं? घुसे हो जाएगा तो वो एकदम हो जाएगा या धीरे धीरे होगा? धीरे धीरे। 84 जन्म भी तो धीरे धीरे लिए हैं, तो धीरे धीरे उनकी पहचान होगी। बाबा ये पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये काम और अहंकार जब हम ये शरीर को आत्मा मानते हैं ये दोनों चला जाता है, मगर ये क्रोध लोभ और मोह जल्दी नहीं छोड़ता है, ऐसा क्यों? उसमें काम का अंश होगा, उसमें समझ लो क्रोध जरूर होगा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि कोई में काम का अंश रह जाए और क्रोध न रहे। कामेशु क्रोधेश जरूर होते हैं, तो जिसकी काम की आस पूरी नहीं होती है तो जरूर क्रोध में आ जाता है। लोभ और मोह उसके साथ फिर वो भी जुड़े हुए। मुखिया जब तक रहेगा तो उससे सहयोगी भी रहेगी, तो मुखिया खराब हो जाएगा तो सहयोगी खराब हो जाएगी। इसलिए शंकर जी को सिर्फ काम दहन करते हुए दिखा दिया है, ये नहीं क्रोध दहन कर दिया, लोभ दहन कर दिया, मोह दहन कर दिया, अहंकार दहन कर दिया, नहीं।
तो जो आदमी क्रोध लोभ मोह दिखाता है उसके पास समझ लेना कि काम काम से जरूर है, कभी विश्वास नहीं करना चाहिए किसी काम विकार नहीं होगा। मत मगर ये सब छोड़ने का बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, क्या करना है? आत्मा समझ रहा कुछ नहीं करना है, सब तेरा कुछ नहीं मेरा। क्या सब कुछ तेरा? रबर बैंड ये शरीर ये भी तेरा, मगर हर रोज के लिए काम कर रहा है, कैसा करना है? जैसे चलाए तन तेरा हो गया, तो तन से जो काम लेना चाहे तो ले, मगर उस समय हमारा बुद्धि चलता रहता है। तुम्हारा बुद्धि चल रहा है तो परमात्मा की बुद्धि तो नहीं चल रहा है, श्रीमत तो नहीं चल रहा है, श्रीमत चलता है। श्रीमत चलेगा तो जो डायरेक्शन दे तो मानना पड़े। पक्का निश्चय बुद्धि चाहिए कि भगवान हम गड्ढे में तो नहीं गिराया जाएगा, नहीं पातालपुरी में तो नहीं ले जाएगा, नहीं भगवान है तो हमारा कल्याण करने वाला ही होगा। भगवान तो अकल्याण किसी का करता ही नहीं, क्योंकि उसको स्वार्थ ही नहीं होता। जब उसको अपना रथ ही नहीं है तो किसके लिए हमारा कल्याण करेगा? और एक बात बाबा, गीता पाठशाला 11 घंटे को स्टार्ट होता है, गीता पाठशाला ट्यूसडे एंड थर्सडे में, मंगलवार और गुरुवार 11 बजे से 1:30 या 2 तक चलता है, 11 से 2 बजे तक चलती है, चलता है। और कुछ लोग 2-2 बस पकड़ कर बहुत दूर से आता है अटेंड करने के लिए, उनके कुछ अगर हम दिए तो खाने के लिए और पीने के लिए, एक खराब होता है क्या? खराब नहीं होता है, लेकिन ये है कि मगर एक मिनट, परिवार है, हमारा ही परिवार है, परिवार में अगर किसी के ऊपर कोई स्थिति परिस्थिति आ जाती है और उस स्थिति परिस्थिति में हमको सहयोगी बनना है कि असहयोग आंदोलन कर देना, स्थिति बहुत अच्छा रहा है तो जब गीता पाठशाला में स्थिति है सामान्य चल रही है, अच्छा भी नहीं सामान्य स्थिति चल रही है, तो जो दूर से आते हैं उनसे पूछ लेने में क्या आ जाए कि खाना खा के आए भी नहीं। ऐसे तो आदमी सुबह 10 बजे जाता है ऑफिस या कोई धंधे में जाता है और शाम को 5 बजे घर में लौटता है, तो खा के जाता है और आकर के 8 घंटे के बाद फिर खाना खा लेता है, तो मोस्टली तो यही समझाता है इससे कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता है। तो होना तो यही चाहिए कि हम अपना बोझ दूसरों के ऊपर क्यों डालें, लेकिन फिर भी खिचड़ी तो ब्राह्मण परिवार में आम बात कर दी, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, जो गरीब आदमी है वो भी कोई को खिचड़ी खिला सको, बनाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं, ना ज्यादा टाइम नहीं, फ्रूट देने में, फ्रूट जो है वो गरीब आदमी नहीं कर पाएगा, आजकल फ्रूट इतने ज्यादा कॉस्टली हो रहे हैं, खिचड़ी तो फैले है सब कर सकते हैं, रोटी वोटी बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, रोटी बनाने में, इडली बनाने में, डोसा बनाने में। मगर डोसा खाना मना है क्या? तली हुई चीज है ना, जो तली हुई चीज है वो पेट को नुकसान करती है, तलते है ना उसको, तेल डाला फिर उसमें इडली का वो डोसा डाला तो तल जाता है ना, तो तलने से वो पेट को नुकसान जाएगा। फ्राई तो किसी चीज का रोज क्या होता है उसको खाना मना है, किसी चीज को
रोस्ट किया है ना, रोस्ट किया हुआ था, तला हुआ उसका खाना मना है। नहीं मना नहीं है किसी का, लीवर बहुत अच्छा है तो करे हाँ, लेकिन मोस्टली क्या है कि जो बाबा के बच्चे हैं उनमें मोस्टली का लीवर सबका खराब चल रहा है, पेट किसी का अच्छा नहीं रहता, घड़ी घड़ी कुछ न कुछ कमजोरी आ जाती है। एडवांस में आकर लेरेज छोड़ दिया तो फिर वो एडवांस में आता है, जो एडवांस में आता है उसकी बुद्धि में ये बात बैठ जाती है, बाप को माना, बाप को माना तो, लेकिन ये बात बैठ जाती है एडवांस आने के बाद कि बाप का जो बच्चा बना उसको वर्षा जरूर मिलेगा और इसी जन्म में मिलेगा, शरीर रहते रहते मिलेगा, शरीर छोड़ के अगर वर्षा मिला तो अंधश्रद्धा हो गई, वो ज्ञान नहीं है, वो भक्ति है कि हम इस जन्म में पढ़ाई पढ़ते रहे और अगले जन्म में हमको प्राप्ति हो जाएगी, ये अंधश्रद्धा है या श्रद्धा है, विश्वास अंधश्रद्धा है, तो उसकी बुद्धि में तो पक्का बैठ गया है कि हमको शरीर रहते रहते भगवान से प्राप्ति करनी है सुख शांति, तो अगर शरीर छूटा भी कारण या कारण है तो वो आत्मा दोबारा जन्म लेगी और जन्म लेकर के फिर शरीर से पूछताछ करेगी और भगवान से बच्चा लेकर छोड़ेगी। तो बेसिक नॉलेज वालों की बुद्धि में ही नहीं है कि हमको इसी जन्म में प्राप्ति करनी, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ गए, हमारा बाप ही शरीर छोड़ गया, हम भी छोड़ गए, हम भी बाप समान बने। ब्रह्मा बाबा अब सूक्ष्म शरीर धारे हो गया है, ऐसा और कोई भी सूक्ष्म शरीर धारे होता है क्या शरीर छोड़ने के बाद? हम उन्हें कुमार का दादी है, मनोरणी दीदी है, वो कितने होते हैं? सारे विधर्मी जितने हैं वो सब शरीर छोड़ने वाले ही बनेंगे, सूक्ष्म शरीरदारी बनेंगे, सूक्ष्म शरीर धारण करते रहेंगे और सूक्ष्म मतलब निवास करते रहेंगे, और जब तक 500 करोड़ का विनाश हो तब तक सूक्ष्म मतलब नहीं पड़े रहेंगे। ब्रह्म बाबा तो सूक्ष्मदारी बनकर दूसरे शरीर में प्रवेश करके वो सुन रहा है शंकर के, ऐसे दूसरी आत्मा होगी, ऐसा दूसरे आत्मा होगा, उनके जो बीज होंगे दूसरे दूसरे धर्म के बीज उनमें प्रवेश करेंगे और उनमें प्रवेश करके सुनेंगे, ऐसे थोड़े ही कि नीचे जो नंबर वार नीचे धर्म के जो आधारभूत है वो सुमेर जी में प्रवेश कर जाएंगे, इतनी उनमें ताकत ही नहीं है, तो जो जिस धर्म का आधारभूत होगा वो उसी धर्म की बीज रूप आत्माओं में प्रवेश करके अज्ञान को सुनेगा। बाबा योग जो भी घर पर वाले हैं जो हजार अठारह के अंदर ही आएंगे क्या ज्ञान में दुनिया में चारों तरफ बाप की प्रत्यक्षता होगी, कृष्ण की आत्मा कौन है, राम वाली आत्मा कौन है, सारी दुनिया जब जानेगी तो घर वाले नहीं जानेंगे, घर वाले जानेंगे, जो अभी तक विरोध करते रहे वो भी जानेंगे, वो भी देखेंगे, सारे अखबार रंगे पड़े, सारे ही टीवी चैनल रंगे पड़े, सारे ही रेडियो में से एक ही आवाज निकल रही है कि आ गया आ गया आ गया, जिसकी जन्म जन्मांतर से आग थी वो आ गया, तो निकलेंगे नहीं, विरोध करते रहेंगे, इसलिए वरदान दिया है कि एडवांस में एक भी आत्मा अगर आ जाएगी तो उसका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चल पड़ेगा, क्योंकि अभी भी तो जो परिवार का एडवांस का चलने वाला व्यक्ति है भले परिवार के दूसरे सदस्य ज्ञान में नहीं चलते हैं तो भी उसकी बातें तो सुनते रहते हैं, वो टैप रिकॉर्ड लगा के बैठेंगे तो सुनते नहीं क्या? सुनते हैं, अनिश्चय है, निश्चय नहीं है, मगर वो निश्चय होता है, बाद में फिर क्या होगा एकदम निश्चय बैठ जाएगा ये सच्चा निकला, इसने सच्चा रास्ता पकड़ लिया, हम रह गए बस उनका भगत बन जाएगा, ये मना अड़गलना, ये मना अड़गलना, ये
बार बार को पूछते रहे थे और 21 इयर्स हो गए हैं, अब बाबा को हमें नहीं मिला है तो आज आया। ऐसे तो बाबा ने नियम बनाया हुआ है कि जो भी 7-2 साल एडवांस ज्ञान को छोड़ देते हैं, क्लासेस छोड़ देते हैं, संगठन छोड़ देते हैं, उनको माफीनामा लिखना पड़े और भर्ती दोबारा करनी पड़े। मगर लेकिन इनको इसलिए छोड़ दिया कि अब इनका शरीर इतना काम नहीं करता है, कहीं भर्ती करने गए और वहीं लुढ़क गए। ये समझा दो बात है। वो नीला का स्टेज वाला लक्ष्मी नारायण साकार में रहते हैं और शंकर आगा स्टेज वाला है ना। हाँ स्टेज वाला वो सभी एक ही है। है तो सर से एक ही है लेकिन आत्माएं आगे आत्माएं अलग अलग काम करती है। जब नारायण बन जाएगा तो नारायण में न शिव होगा और न कृष्ण होगा, होगा नहीं होगा तो वो नारायण होगा, तब राम राज्य कहा जाएगा, नारायण राज्य कहा जाएगा। तो शंकर अलग और प्रजापिता अलग। प्रजापिता माना सिर्फ राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है। जब शंकर कहा जाए तो उस शरीर के द्वारा सिर्फ राम वाली आत्मा पाठ नहीं बजाती है, कृष्ण वाली आत्मा भी पाठ बजाती है, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा दादा लेखराज वाली आत्मा भी पाठ बजाती है और शिव की आत्मा भी पाठ बजाती है। कौन कब पाठ बजाता है तो कोई भी पहचान नहीं पाता। इसलिए शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो आदि का बात नहीं, नहीं आदि की भी बात है। प्रजापिता जो है वो पतित का पार्ट है, पतित सन का पार्ट है प्रजापिता। बाबा शिव शंकर के तन में आकर पाट जब बजा रहता है उस समय में ये प्रजापिता का आत्मा कैसा अनुभव कर करता रहता है? उस आत्मा को तो बाबा को याद करना है, सिर्फ याद करना है ना। नहीं, वो मेरा प्रश्न ऐसा नहीं, जब शिव आकर शंकर के तन में पाठ करता रहता है उस समय में शंकर का आत्मा कैसा अनुभव करता रहता है? शंकर जिसे हम कहते हैं, पहले ये समझ लें शंकर कौन से है। शंकर माने तीन आत्माओं की मिक्सचरिटी, एक ही शरीर में, एक ही शरीर में तीन आत्माएं जो पार्ट बजाती हैं उसको शंकर कहते हैं। तो अब पता नहीं चलता, तुरंत पता नहीं चलता, मगर तो प्रजापिता को जो पता होता है ना शंकर अब शिव आया है। नहीं, जैसे ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते थे, शिव आते थे ना, आता तो क्या तुमको पता चलता है कब ब्रह्मा बोलते हैं कब शिव बाबा बोलते हैं? पता ही नहीं चलता। नहीं, शिव कब आता है कब चला जाता है तुमको पता पड़ता है क्या? नहीं पता। ब्रह्मा को पता चलता है क्या? नहीं, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। ऐसे ही राम वाली आत्मा को भी पता नहीं चलता। बाद में सोचते हैं ये पॉइंट तो हमारी बुद्धि में था ही नहीं। कभी मन चित्त और सत्य संकल्प में भी नहीं आया और अभी नई बात निकल पड़ी। तो नई बात कौन सुनाता है? शिव ही आकर सुनाता है। वो ही जन्म जन्मांतर की नई नई बातें जानता है और आत्मा ही नहीं जानती। अर्जुन तू अपने जन्म को नहीं जानता,
मैं बताता हूँ Yeah.